हेलो बेटा, आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आए हैं। इस वीडियो को देखिए। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाला आइकन दबाएं, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, बहुत सारी अगर आपको कोई क्वेरी आती है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट में शेयर करें। आपकी कोई डिमांड है, कोई हेल्प चाहिए हमसे तो कमेंट में शेयर करें। डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वो चैनल के लिंक में जाकर के उसको ज्वाइन करिए। उसमें हमारा ईमेल एड्रेस है, बहुत सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं, वहाँ से आप जा करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास अपना एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, आप एप्लीकेशन डाउनलोड करें। बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत सारे फ्री कोर्सेज हैं, उसमें उन कोर्सेज को देखिए और उनका आनंद उठाइए। ठीक है, वीडियो देखिए, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। एक क्वेश्चन होमवर्क दिया था क्या, कौन सा वाला? अच्छा, इक्वल वॉल्यूम टू सॉल्यूशन हैविंग पीएच 3 and 4, है नहीं? आया किसी का आंसर? 2.86। गुड मॉर्निंग बेटा, किसी का आंसर आया क्या? वैसे आई विल नॉट कॉल इट अ गुड मॉर्निंग, इतना सुबह वाली मॉर्निंग मेरे को कभी गुड नहीं लगी। अंटिल और अनलेस मैं कार में हूँ, कहीं जा रहा हूँ, है ना, या पहाड़ वहाड़ में हूँ अपन, है ना। खैर छोड़ो वो सारी बातें, किसी का आंसर आया तो आंसर बताओ यार, वो बात करें अपन, ज्यादा समय है नहीं अपने पे जाना। 3.26 ये बढ़िया लग रहा है ना। देखो, ज्यादातर चीजें जिंदगी में एवरेज आउट हो जाती है ना। जैसे 3 और 4 लिया आपने, तो पीएच कहाँ आना चाहिए? उनके बीच कहीं आना चाहिए, है ना। तो अगर किसी का आंसर 3 से कम आ रहा है या 4 से ज्यादा आ रहा है तो आ थोड़ी सी तकलीफ तो है भाई, है ना। ठीक, आओ देखो कैसे होगा अगला क्वेश्चन। मेरे पास में 2 सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन 1 और सॉल्यूशन 2। दोनों को मिला के मैंने क्या बनाया? दोनों को मिला के मैंने फाइनल सॉल्यूशन बनाया। ठीक है, सॉल्यूशन नंबर 1 का पीएच कितना दिया है? 3। इसका पीएच कितना दिया है? 4। इसका पीएच यही पता लगाना है, है ना। इसका वॉल्यूम कितना दिया बेटा? V। इसका वॉल्यूम कितना होगा? V। इक्वल वॉल्यूम है ना, मैंने V मान लिया। वॉल्यूम कितना हो गया? V और V। इसका वॉल्यूम मैंने मान लिया क्या हो जाएगा? दोनों V V जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा? ये 2V हो जाएगा। ठीक है, है ना। अच्छा जी, अब पीएच से तो काम नहीं होगा, क्योंकि सीधा मैं ऐसा नहीं लिख सकता ना, pH 3 pH 4 दोनों का एवरेज लेके 3.5, वो गलत है। तो मेरे को पीएच से क्या चाहिए भैया? सबसे पहले H प्लस आयन कंसेंट्रेशन, क्योंकि वही किसके इक्वल होती है? नॉर्मेलिटी के। तो H प्लस आयन कंसेंट्रेशन 10^-3 और यहां पे H प्लस आयन कंसेंट्रेशन बराबर N2 बराबर 10^-4 आ गया। अब लगेगा मेरा वही सिंपल फॉर्मूला, कौन सा? N1V1 प्लस, अच्छा कोई बता सकता मैंने प्लस क्यों लगाया? एसिड एसिड शब्द का प्रयोग या बेस शब्द का प्रयोग तो कहीं नहीं हुआ है। मैंने पीएच देख के अंदाजा लगाया कि पीएच कितना है भैया? 3 और 4, मतलब दोनों क्या होंगे? एसिड। N1 की वैल्यू होगी 10^-3V प्लस 10^-4V बराबर N इंटू क्या? 2V। ठीक, तो देखो ये V से ये V से ये V कट जाएगा, सब कॉमन लेके काट दोगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो ये हो गया आपका 10^-4 प्लस 1^-4 बराबर 2N बचेगा। ठीक, तो ये कितना हो गया भैया? 2N बराबर 11^-4 N बराबर 11/2 × 10^-4। ये आ गया N, ये नॉर्मेलिटी क्या दिखाएगी? फाइनल सॉल्यूशन का H प्लस। अब अपने क्या निकालना है? इसका pH क्या हो जाएगा? pH माइनस log 11/2 × 10^-4 माइनस log 11/2 × 10^-4। हाँ जी, अब बताओ अगर 2 नहीं होता तो आप लोग क्या लिखते? 4 माइनस
log 11, ये लिखते तू नहीं होता तो, जब से तो लिखते आ रहे हो, 4 माइनस log 11, 11 ऊपर था तो माइनस में आया, 2 नीचे है तो प्लस में आएगा, प्लस log 2, 4 माइनस log 11 की वैल्यू प्लस log 2 की वैल्यू 0.3, तो ये हो गया 4.3 माइनस 1.04, आंसर आएगा 3.26। ठीक है जी, समझ आया? कितने लोग का आया था, हाथ उठाना जरा, बाकी बनाए नहीं होंगे, नहीं दो हैं, दो, बहुत बढ़िया रिया, वेरी गुड। चलो बाकी लोग नोट करो जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन लिखो भैया अगला, फाइंड आउट द पीएच, सेम सवाल दे रहा हूं थोड़ा सा बड़ा करके, अब इस बार सबसे आंसर चाहिए जल्दी से। फाइंड आउट द पीएच ऑफ अ मिक्सचर ऑब्टेंड बाय मिक्सिंग, फाइंड आउट द पीएच ऑफ अ मिक्सचर ऑब्टेंड बाय मिक्सिंग इक्वल वॉल्यूम ऑफ थ्री सॉल्यूशंस हैविंग पीएच थ्री फोर एंड फाइव, हैविंग पीएच थ्री फोर एंड फाइव। जल्दी से सब करके निकालेंगे तुरंत। नहीं आया किसी का भी 3.4? चलो आओ, फोर आ रहा, चलो आओ देखते हैं भाई फटाफट कितने से आएगा। तो यहाँ क्या है अपने पास में, हाँ इधर देखो, पीएच थ्री, पीएच फोर, पीएच फाइव, तीनों को मिला करके क्या बना लिया अपन ने, अपन ने बना लिया फाइनल सॉल्यूशन। ठीक है, तो बन गया अपने पास इसका वॉल्यूम कितना है, वी वी वी। नॉर्मेलिटी कितनी हो जाएगी भैया, 10^-3, 10^-4, 10^-5, और इसकी एन मान ली, इसका वॉल्यूम 3V हो जाएगा। ठीक है, चलो अब तो क्या ही बचा है सवाल में, चमक रहा था क्या ऊपर, अब बचा ही क्या सवाल में, बस सॉल्व कर लेते। क्या लगेगा, n1V1 प्लस n2V2 प्लस n3V3 बराबर n V1 प्लस V2 प्लस V3। तीन बार वाला फॉर्मूला लग गया, एक तो दिखा दिए बहुत है। पीएच 3.7 इंटू 10^-4 नहीं आएगा, पीएच 0 से 14 के बीच में आता है। तो n1 हो गया 10^-3V प्लस 10^-4V प्लस 10^-3V बराबर n इंटू 3V। ठीक, तो वी 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 कैंसल्ड है ना। यहां क्या बचेगा भैया, अब इसको सबको पावर -5 में लाना है, तो मैं इसको लिख रहा हूं 100 इंटू 10^-5 प्लस, इसको लिखने जा रहा हूं 10 इंटू 10^-5 प्लस, इसको लिखने जा रहा हूं 1 इंटू 10^-5 बराबर n इंटू 3। ठीक, अब 100, 10 और 1, 111, तो 111 इंटू 10^-5 बराबर 3n, ऐसा आया होगा। और यहां से उधर जा भी, चल ऊपर क्यों चमक रहा था पता नहीं, और यहां से n बराबर क्या आ जाएगा भैया, 111/3 इंटू 10^-5। अब कई लोग इसी सॉल्व कर देते हैं, ठीक है भाई आपकी मर्जी, कर लो, मगर सॉल्व करके भी कोई फायदा नहीं, 37-38 आएगा, जिसका लॉग भी आपको नहीं आता है ना, 111 का भी नहीं आता और 37 के आसपास कुछ आएगा डिवाइड करने पे, जिसका लॉग भी नहीं आता, तो बिल्कुल डिवाइड ना करें, छोड़ दे। पीएच सीधा निकालेंगे, नॉर्मेलिटी है किसके बराबर होगी, एच प्लस आयन कंसेंट्रेशन के, पीएच कैसा निकलेगा, माइनस लॉग ऑफ एच प्लस, यानी माइनस लॉग ऑफ 11/3 इंटू 10^-5। ठीक,
क्या लिखते भैया अगर 3 नहीं होता तो? 5 माइनस लॉग 111, और न्यूमरेटर था माइनस हो रहा है, डिनोमिनेटर प्लस हो जाएगा, सिंपल सी बात। अब सर वो तो ठीक है सर, कर लेंगे 5 प्लस लॉग 3 की वैल्यू 0.48, एक ऐसे माइनस करें 111। तो अगर आप लॉग 111 नहीं ला सकते तो कोई बात नहीं, क्या ला सकते हो आप? 110 ले आओ, है ना, है ना, 110 ला लो, उसमें कौन सी बड़ी बात। तो लॉग 110 किसके बराबर हो जाएगा? लॉग 110 लॉग 11 और लॉग 10 के सम के बराबर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? लॉग 11 1.04, लॉग 10 की वैल्यू 1, लॉग 110 की वैल्यू है 2.04, तो लॉग 111 कितनी होगी? 2.05 ले लो साले, क्या टेंशन है, बहुत बढ़िया है, ठीक। तो भाई ऐसे जुगाड़ करना पड़ता है। और अगर आप ये बोलते हो अरे सर ऐसे थोड़ी ना होता है, आप तो सर 110 और 111 माय गॉड ऐसे कर दिए, ऐसा अगर आप बोलने वाले हो तो आई विल सजेस्ट यू कि आप पूरा पीरियोडिक टेबल लो और रख लो भैया। मैं और क्या गरीब आदमी भैया, मैं क्या बताऊंगा, है ना, थोड़ा बहुत जुगाड़ तो करना पड़ता है भाई, आटे में नमक जितना क्या झूठ तो चलता है, उतना तो करना ही पड़ता है, नहीं ठीक है ना? अपने यहाँ तो चलता है, नहीं तो फिर आप करो, यहाँ लिए हो ना, क्या करोगे, ये हटा रहा हूँ भैया साइड में कहीं, लिख लेना इसको अपने हिसाब से। तो कितना आया था? व्हाट वाज आवर आंसर? 2.05, ओके, 5.48 माइनस 2.05, तो अपना आंसर आ जाए 5 माइनस 2 गया 3.43, ये आएगा अपना पीएच, ठीक है जी, समझ में आया? कैसे करोगे, मतलब बेसिकली तो मैं लॉग 111 सिखाने के लिए आपको इतना तामझाम किया मैंने, नहीं नहीं करता मैं, कर लोगे, चलो फिर बढ़िया कर लोगे। तो बढ़ू मैं आगे? आगे बढ़ो बाबा, चलो आ जाओ। किसी को लिखना था क्या पीछे का? नहीं, अब तो नहीं लिखना होगा, लिखना लिखना रहता है तो बता दिए करो, मैं वापस, ये देखो टैलेंटेड हूं बहुत, मैं वापस भी ले आता हूं। हेडिंग डालेंगे, पीएच ऑफ वीक एसिड, पीएच ऑफ वीक एसिड। अब यहां से असली मामला शुरू हो रहा है चैप्टर का। सर ऐसे आप पिछली बार भी बोले थे, मतलब अब थोड़ा और कॉम्प्लिकेट होगा चीज। वो आग लगा के लाई इसमें तो। तो अभी तक के अपन क्या पढ़े? सबसे पहले अपन ने पढ़ा किसका पीएच? स्ट्रॉन्ग एसिड का। फिर अपन ने, अच्छा 0.1 से रह गया था मेरा, कोई बात नहीं बेटा। सबसे पहले अपन लोग स्ट्रॉन्ग एसिड का वो पढ़े पीएच, फिर अपन ने स्ट्रॉन्ग बेस का पीएच पढ़ा, फिर आज अपन ने दोनों के मिक्सचर का पीएच पढ़ा, मतलब खत्म किया। अब हेडिंग डालेंगे, वीक की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है, वीक एसिड वीक बेस, फिर उसको किसी किसी के साथ मिक्स करेंगे, है नहीं सब, मतलब यही सब काम है अपना। तो हेडिंग डालो पीएच ऑफ वीक एसिड। एक वीक एसिड है एचए, अरे यार डब्लू नहीं लिख पा रहा हूं, बताओ मैं यार डब्लू, एक वीक एसिड है एचए, अब डब्लू लिख लिया तो ए नहीं लिख पाएगा ढंग से, चला लेंगे। एक वीक एसिड है एचए, अब ये जो वीक एसिड है एक कितना टूटेगा, है वीक एसिड पूरा टूट जाता है? नहीं, थोड़ा सा टूटता है, तो थोड़ा सा टूटेगा तो इसमें क्या आएगा? इक्विलिब्रियम। तो ये तोड़ दिया ऐसे, है ना, वीक वाला जो भी है उसमें रिवर्सिबल एरो डाल के इक्विलिब्रियम आता ही है उसमें, है ना, ये हो गया एच प्लस और ए माइनस, ठीक। दुनिया में जितने सुबह सुबह गाड़ी लेके घूम रहे, सुबह सुबह साइकिल वाइकल में घूमो, तो जितने दुनिया के इक्विलिब्रियम है, हर इक्विलिब्रियम पे क्या आता है? एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आता है जिसको अपन के से डिनोट करते हैं, यहां उसको मोर स्पेसिफिकली के ए लिखते हैं, ए काहे लिखते हैं? एसिड के नाम से। तो इसका नाम हो जाएगा एसिड डिसोसिएशन, जो कि यहां पर क्या हो रहा है, एसिड टूट रहा है, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट के,
समझ में आई बात भैया यहां तक के? ठीक, अच्छा, फिर जैसे ही अपने को ये मिलेगा, सबसे पहला काम अपन ये करेंगे, एट टी इज इक्वल टू जीरो और एट इक्विलिब्रियम लिखेंगे। टी इक्वल टू जीरो पे क्या कंसंट्रेशन होगी बेटा? सी, यहां कंसंट्रेशन सी मानते हैं, इसकी कितनी होगी? जीरो जीरो। एट इक्विलिब्रियम याद करो, सी माइनस सी अल्फा, एक्स की जगह क्या आ गए थे अपन? सी अल्फा, सी माइनस सी अल्फा, सी अल्फा और ये सी अल्फा, यहां तक ठीक है। मेरे को निकालना क्या है? पीएच, पीएच के लिए मेरे क्या चाहिए? मेरे चाहिए एच प्लस। ठीक, तो आ जाओ, सबसे पहले मैं के ए लिखने जा रहा हूं। के ए बराबर क्या? एच प्लस इंटू ए माइनस डिवाइडेड बाय क्या? एच ए, एच प्लस इंटू ए माइनस डिवाइडेड बाय क्या? एच ए। ठीक, तो एच प्लस की वैल्यू, एच प्लस की क्या कंसेंट्रेशन है बेटा? सी अल्फा। ए माइनस की क्या कंसेंट्रेशन है? सी अल्फा। और एच ए की क्या कंसेंट्रेशन है? सी माइनस सी अल्फा। समझ आया? आगे बढ़ेंगे, के ए बराबर सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, सी कॉमन निकाल दूंगा, वन माइनस अल्फा होगा, एक सी से एक सी कैंसल हो गया, के ए बराबर सी अल्फा स्क्वायर वन माइनस अल्फा। यहां तक कोई तकलीफ नहीं? बहुत आसान लेके आया मैं। अच्छा, फॉर वीक एसिड, वीक एसिड में डिसोसिएशन कितना होता है? नाक बराबर, तो ऐसे केस में अल्फा इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू वन, वन से बहुत छोटा होगा क्योंकि इसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होता है। ठीक है, तो यहां पर वन माइनस अल्फा नियरली इक्वल टू क्या होगा? वन। एक बार और कर चुके हो स्टवाल डाइल्यूशन लॉ में, वन माइनस अल्फा को वन मान चुके हो, है ना? तो यहां से आ जाएगा के ए बराबर वन माइनस अल्फा वन हो गया, सी अल्फा स्क्वायर, डन। इसको भी ध्यान रखना है, काम की चीज है ना। अगला, के ए बटा सी बराबर अल्फा स्क्वायर और अल्फा बराबर अंडर रूट के ए बाय सी। ठीक, मेरे क्या निकालना है? पीएच, पीएच के लिए मेरे क्या चाहिए? एच प्लस, तो एच प्लस आयन कंसंट्रेशन बराबर क्या है? एच प्लस आयन कंसंट्रेशन बराबर, एच प्लस आयन कंसंट्रेशन बराबर सी अल्फा। ये वाला अल्फा उठा करके यहां पुट कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा? एच प्लस आयन कंसंट्रेशन सी अंडर रूट के बाय सी। जब कोई चीज रूट के अंदर डबल होती है और वहां से बाहर आती है तो कितनी हो जाती है? सिंगल। अब बाहर सिंगल होगी, अंदर जाएगी तो कितनी हो जाएगी? डबल। सिंपल सी बात, तो ये हो गया अंडर रूट के ए इंटू सी स्क्वायर बाय सी। तो एक सी से एक सी कट गया, तो मेरे पास अंदर क्या बचा है? एच प्लस आयन कंसंट्रेशन बराबर अंडर रूट के ए इंटू सी। यहां तक कोई तकलीफ? क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? के ए इंटू सी होल पावर हाफ हो गया, तो मेरा क्या आ गया? मेरा एच प्लस आ गया। अब अगर आप इतना नोट कर दोगे तो फिर मैं पीएच भी निकाल के दिखाऊंगा आपको, जो क्या होगा? माइनस लॉग ऑफ एच प्लस। इसका माइनस लॉग लेना है अपने को जो आया है। ठीक है, पहले इतना नोट करो फिर करेंगे। चलो जल्दी से, यहां इसका लॉग लेना है अपने को, है ना? तो चलो आ जाओ शुरू करते लॉग लेना। माइनस बाहर छोड़ दो भैया, अभी तो पहले, अच्छा पहले तो लिख लेते ना, पहले लिख लो एच प्लस की जगह ये के इंटू सी की पावर हाफ। ये हाफ किधर कूदेगा? ये आगे मरेगा जाके, है नहीं? तो माइनस हाफ, ओहो ओहो हो हो, माइनस हाफ। अब लगा लो ब्रैकेट, माइनस और हाफ दोनों बाहर छोड़ दिया मैंने, क्या होगा भैया? लॉग के ए प्लस लॉग सी। प्लस क्यों लगाया? लॉग एम इंटू एन, लॉग एम प्लस लॉग एम, है ना? लॉग एम प्लस लॉग एन। अच्छा जी, ओ माइनस को अंदर भेजेंगे जरा,
हाफ को बाहर रहने दो, तो क्या हो गया माइनस लॉग के माइनस लॉग सी। ठीक। अच्छा जी, जिस प्रकार माइनस लॉग एच प्लस बराबर पी एच होता है, जिस प्रकार माइनस लॉग ओ एच बराबर पी ओ एच होता है, उसी प्रकार माइनस लॉग के ए बराबर पी के ए होता है। समझे? पी लगा दिया आगे, जैसे पी के आगे एच लगाया था वैसे पी के आगे के ए लगा दिया। उसी प्रकार अगले वाले में काम आएगा माइनस लॉग के बी। नाउ व्हाट इज के बी? जो आपने एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट देखा के, बेस के केस में क्या हो जाएगा? बेस में भी एसीडी लगा देंगे सर, कहां दूसरा नया खरीदने जाएंगे सर, गोल बाजार चलाना पड़ेगा है, वो बेस हो जाएगा ना, तो बेस हो जाएगा क्या नाम होगा उसका? के ही रख दो सर, है के भी रहेगा, क्या नाम होगा? बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो मेरे पास ये के भी है, माइनस लॉग के भी बराबर पी के भी। बहुत बढ़िया गाड़ी चलाता है दोस्त मेरा, है ना, मतलब पी के भी है। ठीक, क्या सोच रहे हो तुम यार सुबह सुबह? सर आज 31 तारीख है ना, सुबह से ही है, सुबह से ही खुश हो बहुत। आज 31 है ना, आज है शायद, पता नहीं भाई, मेरे में तारीख नहीं दिखा रहा था। 31 ही होगी आज, ऐसा मेरा मानना, यहां दिखाता ना 31 तो है यार। हाँ तो ये मैंने ऊपर रख दिया भैया, क्या रख दिया? हाफ को वहीं रहने दो, और पीके माइनस लॉग के की जगह मैं क्या लिखूंगा? पीके माइनस लॉग सी। तो यहां से हाफ को अंदर भेज दो, पीएच का बराबर बराबर हाफ पीके ए माइनस हाफ लॉग सी, हाफ पीके ए माइनस हाफ लॉग सी। समझ गए जी? ठीक है जी, हो जाएगा। तो ये लास्ट वाला पार्ट, अच्छा ये फॉर्मूला जो है ना, ये गलती से मेरे से ब्रैकेट बंद हो गए, मैं इसको ब्रैकेट से निकाल देता हूं, याद नहीं करना है, याद नहीं करना है। तो कैसे हर बार डिराइव करेंगे? और जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो मैं सिखाऊंगा क्या है ये, तो भाई मेरा फॉर्मेलिटी है लिखाना, करके मैं लिखा रहा हूं, बाकी याद नहीं करना है। इसमें क्वेश्चन आएगा तो कैसे सॉल्व होगा वो मैं समझाऊंगा। ठीक है, अब देखो ये वाला साल खत्म हो रहा है, समझ में आएगा अगले साल में क्या होने वाला है। जैसे वापस लॉकडाउन वाली स्थितियां नहीं, और इंडिया ने पहले चाइना से फ्लाइट्स बंद की थी, इंडिया ने अब यूके से फ्लाइट बंद कर दी है, मतलब भयंकर टाइप का स्थिति है। पूरा साल, बिल्कुल सही बोल रहे हो, पूरा साल घर में बैठ के निकल गया आप भाई साहब, हो गया लिखना। चलो तो यही है, इसी तरीके से अपन लोग देखेंगे। मिटाऊ, हटा दूं, किसी का बच्चा हो तो हाथ उठा दो अभी। सर हम तो शुरू से ही लिख नहीं रहे। अच्छा बच्चा है, बच्चा है एक जन का, मैं बोला शुरू से ही नहीं लिख रहे हम तो सर, शुरू से। ये डेरिवेशन था, वीक बेस का भी एक थोड़ी डिराइव कर लेते हैं, फिर दोनों पे न्यूमेरिकल करना शुरू करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा अंतर आएगा। हो गया आत्मिका? चलो भैया, और तेरे को बुक नहीं छोड़ के आया होगा ना अभी? आत्मिका वो आया क्या तेरे पास भैया? नहीं, नहीं आया ना, आज बोलूंगा मैं। कल वो बहुत बेचारे पास काम था, 5-6 वीडियो एडिट कराया दिन भर में, रात के जाते जाते गाली दे रहा था कि कितना सारा वीडियो हो गया आज करके। अरे मेरे से बटन दब गया मेरे से, मैं बोलूं बजने कैसे लगा अचानक, फोन किसका है? हाँ तो लिखेंगे भैया पीएच ऑफ वीक बेस, वीक बेस का पीएच, पीएच वीक बेस। अब वहां एसिड था, एच ए लिखा था, तो अब बेस को एच ए नहीं लिखूंगा, बेस को मैं लिखूंगा बीओएच। क्या लिखूंगा? बीओएच। तो ये कैसा टूटेगा? ये टूटेगा बी प्लस और OH माइनस, बेस में OH होना चाहिए। यहां जो इसका कांस्टेंट होगा दैट विल बी कॉल्ड क्या? बेस
डिसोसिएशन कांस्टेंट, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। सबसे पहले लिखेंगे एट टी इक्वल टू जीरो, फिर लिखेंगे एट इक्विलिब्रियम टी इक्वल टू जीरो पे। ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, मतलब ये हर बार करनी है, फिक्स है, करना ही है। तो क्या हो जाएगा, सी जीरो जीरो सी माइनस सी अल्फा, सी अल्फा और सी अल्फा। पीएच निकालना है, सीधा पीएच नहीं निकलेगा क्योंकि यहां ओएच है, पहले पीओएच निकलेगा फिर सात से माइनस करो। ठीक, तो आ जाओ भैया, केबी बराबर प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है, बी प्लस इंटू ओएच माइनस डिवाइडेड बाय क्या, बीओएच, बी प्लस का कंसेंट्रेशन, सी अल्फा इंटू सी अल्फा इसका वाला जी ओएच का है, डिवाइडेड बाय सी माइनस सी अल्फा। तो यहां से अब आपका तो नहीं पता लेकिन मेरे सीधा नजर आ रहा है, क्या हो जाएगा, के बी बराबर इसमें से एक सी कॉमन लेके काट दूंगा मैं, सी अल्फा स्क्वायर वन माइनस अल्फा। ठीक है, अब फिर से मेरे पास जो प्रजाति है वो वीक बेस है, फॉर वीक बेस अल्फा इज लेस एस कंपेयर टू वन, अल्फा कम होगा वन से बहुत, तो ऐसे केस में मैं वन माइनस अल्फा को नियरली क्या लिख दूंगा, वन लिख दूंगा। तो यहां से क्या आया, के बी बराबर सी अल्फा स्क्वायर, और के बी बटे सी बराबर अल्फा स्क्वायर, और उसका रूट ले लिया तो बराबर अल्फा आ गया। एक एक स्टेप स्किप कर दिया, यू आर वेरी टैलेंटेड स्टूडेंट्स के लिए सर, जितना देर बात की उसमें वो भी लिख लेते हैं आप, है ना। चलो खैर, ओ एच माइनस बराबर सी अल्फा, और ओ एच माइनस आयन बराबर सी अल्फा की वैल्यू, आई एम गोइंग टू पुट इट हियर, के बी बटे सी। अब बोलो क्या होगा, अंदर जाएगा तो सी स्क्वायर, ऊपर वाले सी से नीचे वाला सी कट जाएगा, और क्या बचेगा जी, ओ एच माइनस बराबर अंडर रूट के बी सी। ठीक, आइए हम और आप आगे बढ़ते हैं। यहां से निकलेगा सबसे पहले क्या, पी ओ एच, तो पी ओ एच कितना हो जाएगा, के बी इंटू सी की पावर, ओए क्या हो गया, लॉग कौन लेगा भाई, माइनस लॉग के बी इंटू सी की पावर हाफ। अब वो हाफ आगे कूदा लो, हाफ आगे कूदेगा, माइनस हाफ, बोलो भैया लॉग के बी प्लस लॉग सी, सब होशियार बच्चे, हाँ जी, माइनस अंदर भेजेंगे, माइनस लॉग के बी और माइनस लॉग सी, माइनस लॉग के बी क्या होगा, पी के भी है ना, पी के बी है ना, तो क्या हो गया, हाफ पी के बी माइनस लॉग सी, ये हाफ अंदर भेजना तो आप पर क्या आ जाएगा, पीओएच आ जाएगा। फिर पीएच निकालने के लिए क्या कर लोगे, 14 माइनस कर देना बस, 14 माइनस साइन बदल के लिख देना। चलो मेरे पास जगह नहीं, नहीं तो मैं वो भी कर देता, करो आगे करो, बाकी लोग नोट करेंगे तेजी से, हो गया। पीएच निकाल के 14 माइनस करें, पीओएच निकाल के 14 माइनस करेंगे बेटा, हो गया। चलो भाई आज कौन सा वार है, आज थर्सडे क्या मालूम, पता ही नहीं लोगों को है। अच्छा थर्सडे पेपर बनाना है ना, पेपर आज बैठना पड़ेगा पेपर बनाने के लिए। चलो है क्या, सेम है, अच्छा हर दिन सेम है, नहीं मेरे पेपर बनाना पड़ेगा ना, संडे का पेपर है, मैं अभी तक शुरू नहीं किया हूं बनाना। हाँ जी, तो यहां से पीओएच, अभी मैं क्या, अभी एक आज सैटरडे, आज थर्सडे हो जाएगा, कल एक तारीख है, कल एक तारीख को कोई काम नहीं करेगा ऑफिस में, सब अलाली मनाएंगे, अरे आज तो नया साल है, नया साल है, नया साल है, अच्छा है न। फिर उसके बाद में एक तारीख के बाद दो तारीख आ जाएगी, और तीन तारीख को टेस्ट है, फिर मैं दो तारीख को तीनों पेपर लाद दूंगा, तीनों बैच का बनाओ, फिर तमाशा हो जाएगा, है नहीं, इसलिए आज मेरे को बनाना पड़ेगा, जो भी बनाना है वो मैं याद कर रहा था। भैया टेस्ट जरूर दें यार, बहुत मेहनत लगती, तीन तीन चार चार लोग भीड़े रहते हैं ना, बहुत सारा खर्चा करता हूं मैं सैलरी पे उनकी, तो टेस्ट जरूर दें, छोड़े नहीं टेस्ट। पीओएच बराबर
सर आपके सैलरी के चक्कर में हम अपनी बेइज्जती करवा ले हैं। हाफ पी के माइनस हाफ लॉग सी, ये आ गया पीओएच। पीएच बराबर कितना आएगा बेटा, 14 माइनस पीओएच, 14 से माइनस करोगे, माइनस करोगे तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, माइनस हाफ पी के ए। कौन लिख रहा है बे, कौन लिखता है आके, मैं तो लिखा ही नहीं। पी के बी माइनस हाफ लॉग सी, ये आएगा पीएच का फॉर्मूला, याद नहीं करना है, ठीक है। चलो अब कैसे करना है, आओ चलो। तो एक ये हो गया क्या सबका, एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं है, हाँ मतलब किसी का बच्चा है क्या। दूसरा सवाल, चलो किसी का नहीं बचा, बचा हो तो बता देना ना। फाइंड आउट द पीएच ऑफ, फाइंड आउट द पीएच ऑफ 0.1 मोलर सॉल्यूशन, 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ अ वीक एसिड एच ए, 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ अ वीक एसिड एच ए हैविंग के ए इक्वल टू 4×10⁻⁵। ये के ए दिया है 4 × बहुत इजी सवाल दिया है मैंने, कोई कैलकुलेशन नहीं है, ट्राई मारने की कोशिश करेंगे। या एक काम करो मैं बताता हूं आपको, अपन क्या करते हैं, अपन लोग फॉर्मूलों में उलझ जाते हैं। इस चैप्टर में इतने फॉर्मूले आएंगे, इतने फॉर्मूले कि आप अगर केवल फॉर्मूला फॉर्मूला भी नोट करोगे तो 3 पन्ना भर जाएगा, केवल फॉर्मूला 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 भर, है ना। तो उतना अपने पास तो नहीं है ना दिमाग में, उतना मेमोरी स्पेस खत्म नहीं, उतना स्पेस थोड़ी ना कि सब फॉर्मूला रट ले। और फिर क्या प्रॉब्लम होगी मालूम है, सभी फॉर्मूले में ना छोटी छोटी सी चेंजेस हैं, छोटे छोटे चेंजेस, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, ये प्लस उसमें लगा था, ये माइनस उस पर, ये मैं सच्ची बात बता रहा हूं, ठीक। तो मैं ये सजेस्ट करता हूं कि जितने कम से कम फॉर्मूले, कुछ ऐसी जगह है जहां तो फॉर्मूला याद करना ही पड़ेगा, उसको कुछ नहीं किया जा सकता, कुछ ऐसी जगह है जहां फॉर्मूला अपने आप याद हो जाएगा, लेकिन कुछ जगह ऐसी जहां फॉर्मूला अवॉइड कर सकते, तो ये वो जगह है, यहां अपन फॉर्मूला अवॉइड कर देंगे। जब कभी भी आपको वीक एसिड वीक बेस का सवाल आए, सबसे पहला काम करें वो एसिड को लिख के तोड़ लें, H प्लस और A माइनस, ऐसा तोड़ दें। दूसरी चीज जो मैंडेटरी है वो लिखना एट T इज इक्वल टू जीरो और एट इक्विलिब्रियम, है ना। T इक्वल टू जीरो पे C जीरो जीरो, C माइनस C अल्फा, C अल्फा और C अल्फा, इसका कांस्टेंट के ए है, 2 मिनट लगेगा डिराइव करने, 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। इसका कांस्टेंट क्या है, के ए, के बराबर क्या हो जाएगा भैया, सी अल्फा इंटू सी अल्फा डिवाइडेड बाय सी माइनस सी अल्फा, ये हो जाएगा के बराबर सी अल्फा स्क्वायर, 1 माइनस अल्फा को क्या मान लिया मैंने, 1 मान लिया, नीचे वाले को 1 माइनस अल्फा इज नियरली इक्वल टू 1, ठीक। यहां से के बटे सी बराबर अल्फा स्क्वायर और अल्फा बराबर अंडर रूट के बटे सी, ठीक। तो ये आ गया भैया मेरा यहां तक के, ठीक। अब मेरे चाहिए H प्लस आयन कंसेंट्रेशन, H प्लस आयन कंसेंट्रेशन C अल्फा, C इंटू अंडर रूट के बाय C। कुछ समय के बाद ऐसा हो जाएगा, देखना इतनी प्रैक्टिस कर लोगे कि आपको सीधा याद आ जाएगा, H प्लस आयन कंसेंट्रेशन इसमें होती है अंडर रूट के इंटू सी, ठीक। अभी आ गया K की वैल्यू क्या दी, पुट करो 4×10⁻⁵, और कंसेंट्रेशन कितनी दी है 0.1, तो 0.1 को कितना लिख दूं मैं, 10⁻¹, ऐसे बोलते हैं 10⁻⁴ को हिंदी में 10⁻¹, है ना, पता नहीं कौन किसकी घात लगाए बैठे, घात लगाए शिकार करते उस टाइप। तो ये हो गया, H प्लस आयन कंसेंट्रेशन बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट 4×10⁻⁶, बोलो भैया कते का ही एक रूट 2×10⁻³। तो ये आ गया रूट भैया, ठीक है। अभी क्या करूंगा मैं, बस अब इतना आ गया, पीएच निकाल दो, माइनस लॉग एच प्लस माइनस लॉग 2×10⁻³, आंसर आ गया 3 − log 2, 3 − 0.3 आ गया 2.7, ठीक है।
आई नो कि आप सीधा फॉर्मूला से भी कर सकते हो सेम चीज, लेकिन आज आपको फॉर्मूला याद है जो कि अब भी पढ़ा है 5 मिनट पहले, अभी आपसे 8:30 बजे, 8:30 बजने वाला 20 मिनट बचा, 9:30 बजे पूछूंगा ना मैं तो आप बोलोगे हैं कौन वी के सिर है, हम नहीं जानते, हमारे सब स्ट्रांग लोग हैं, पूरा हमारा पूरा परिवार स्ट्रांग, हम वीक वीक गरीब लोग, हम लोग नहीं जानते, ऐसे बोल के बढ़ जाओगे ठीक है। तो इसीलिए वो बात के हिसाब से बताया मैंने, डन, नोट करो क्वेश्चन। कई बार बच्चा बोलता है सर इससे आसान तो सीधा फॉर्मूले में पुट कर दो, हाँ तो मैं बेवकूफ हूं भाई, मेरे को नहीं पता। कौन आया अभी मुंह उठा के, जो भी आया गलत बात है भैया, इस समय नहीं आना चाहिए, अभी आ रहे हो बताओ, अभी क्यों आए हो, अभी हम लोग सब जाने वाले हैं, एक दो सवाल और करेंगे और जाएंगे, सवाल लिखेंगे भैया, लिखेंगे बेटा, डिटरमाइन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिटरमाइन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिटरमाइन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ 0.05 मोलर, डिटरमाइन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ 0.05 मोलर NH4OH सॉल्यूशन, ये लिखा है NH4OH, कैसा क्या है ये, एसिड है, बेस है, कौन सा बेस है ये, ए वीक बेस है ना, वीक बेस है ना, NH4OH सॉल्यूशन हैविंग pH, हैविंग pH इक्वल टू 11, pH 11 दिया है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है अल्फा, बस इतना ही दिया और कुछ नहीं दिया, तेजी से निकालेंगे। आया किसी का, बहुत इजी, भयंकर इजी भाई, भयंकर इजी सवाल, छोटे छोटे बच्चे कर ले रहे। चलो देखो इतना बड़ा सवाल नहीं, 2 कौड़ी का सवाल है, आओ देखो इधर देखो, फिर अगला वाला करना खुद, अगला वाला इसी टाइप का है। ये देखो भैया NH4OH कैसा टूटेगा, NH4 प्लस और OH माइनस में, यहां क्या आएगा, KB, KB दिया है क्या, KB सवाल में देखना, नहीं दिया है KB तो यार, हाँ T इक्वल टू 0 पे C हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, एट इक्विलिब्रियम C माइनस C अल्फा, C अल्फा और C अल्फा हो गया है नहीं, अच्छा देखते हैं आत्मिक का है ना, ये हो गया। अब मेरे क्या दिया सवाल में, pH दिया है कितना, 11, pH का 4 डालू मैं, मेरे पास तो बेस है, तो मैं क्या करूंगा, pH से क्या निकालूंगा जी, POH, POH कितना आएगा 3, और POH से मैं क्या निकाल सकता हूं बोलो, OH माइनस आयन कंसेंट्रेशन विच इज इक्वल टू 10^-3, और इसको उठा के OH की जगह मैं क्या लिखूंगा, C अल्फा बराबर 10^-3। C किसके बराबर है, C सवाल में दिया है क्या, 0.05, और पुट कर दो 0.05 टाइम्स ऑफ अल्फा बराबर 10^-3, अल्फा बराबर, अच्छा 1 × 10^-3 डिवाइडेड बाय इसको 5 × 10^-2 लिखने जा रहा हूं। बहुत बढ़िया रिया, वेरी गुड, तो 0.2 नहीं आएगा, 0.02 आना चाहिए, तो मेरे पास क्या बचेगा इधर, 1/5 है, हाँ तो ये हो गया 0.2 × 10^-1, 0.02 ठीक है। तो अब देख लो कितना आसान है, मैंने कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया, बेसिक जनरल नॉलेज, मैं जानता हूं OH pH 11 है, POH 3 होगा, OH माइनस 10 मतलब 10^-3 हो जाएगा, OH किसके बराबर है, C अल्फा के, दोनों को इक्वेट कर दिया है ना, ऑल्सो यहां लिख लेना OH माइनस आयन बराबर क्या है, C अल्फा, यहां से उठा के डाला ठीक, दोनों को इक्वेट कर दिया, समझ में आया क्या करना है। चलो जल्दी से नोट करो, बिना फॉर्मूला यूज किए, मेरे को सही में नहीं पता कि क्या फॉर्मूला होता है, कि 14 − 1/2 pKb है कि प्लस pKb है कि क्या है, मैं नहीं जानता, सही में नहीं जानता, मैं तो हर बार डिराइव करके ही लाता हूं ठीक है, तो इसीलिए वहां से जाने ही नहीं।
एक सवाल और लिखेंगे भैया जल्दी से। अच्छा पहले नोट करोगे, जल्दी करो भैया, मेरी एक तो क्लास और है। तो सर हम लोग फोकटेंगे कोई? चलो लिखो अगला। फाइंड आउट द केबी, फाइंड आउट द केबी, फाइंड आउट द केबी ऑफ 0.05 मोलर, सेम है ना 0.05 पिछले वाले जैसा, 0.05 मोलर NH4OH सॉल्यूशन, NH4OH सॉल्यूशन हैविंग pH बराबर 12। pH कितना दिया है? 12 दिया है pH इस बार। इसी तरीके से करना जैसे मैंने किया। नहीं समझ आया? कोई आया क्या? चलो आओ, ज्यादातर यहां पर क्या करना है, NH4OH है, NH4 प्लस और OH माइनस में टूटेगा। pH बराबर 11 दिया है, सॉरी 12 दिया है, तो POH बराबर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। C00 C माइनस C अल्फा, C अल्फा C अल्फा, ठीक। यहां से OH माइनस आयन कंसंट्रेशन कितनी नजर आ रही है? C अल्फा। और क्वेश्चन में के हिसाब से निकालने जाऊंगा तो OH माइनस आयन कंसंट्रेशन कितनी आ जाएगी? 10⁻⁻ बराबर 10⁻²। बहुत बढ़िया आत्मिका है ना। अब मैं दोनों को इक्वेट कर दूंगा, C अल्फा बराबर 10⁻²। अल्फा की वैल्यू करते, C की वैल्यू कितना दिया जी? 0.05 यानी 5 × 10⁻², इंटू क्या हो गया? अल्फा बराबर 10⁻²। यहां से अगर मैं अल्फा निकालने जाऊंगा तो 1 × 10⁻², डिवाइडेड बाय 5 × 10⁻², यह आ जाएगा 1/5 या कह लो 0.2। आ गया यहां तक के समझ? 0.2 को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 20% डिसोसिएशन हो रहा है। कितना परसेंट हो रहा है? 20%। चमक रहा है क्या ये वाला? थोड़ा सा चमकता है, इसको ठीक कराऊंगा। 20% है ना। अब भैया के बी बराबर क्या हो जाएगा? कई बार कर चुके हो तुम लोग तो सी अल्फा सी अल्फा और सी माइनस सी अल्फा, याद आ रहा है? तो क्या लिखूं बोलो? के बी बराबर सी अल्फा स्क्वायर, 5 × 10⁻², 0.2 का होल स्क्वायर। तो 5 × 10⁻², मल्टीप्लाइड बाय 0.04, जब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 2 × 10⁻³। ये मोस्ट कॉमन रॉन्ग आंसर है। एक जन दो लोग का यहां भी आया, ऐसे कई साल से करा रहा हूं मैं, जरूर से कराता हूं। हाँ अब बोलो क्या तकलीफ है सवाल में? अल्फा जो है वो है, बिल्कुल सही, अल्फा जो है वो है 20%। जबकि अपने को क्या करना होता है? अपन 1 - अल्फा को इग्नोर कब करते हैं? जब 5% या उससे कम हो। लिखाया मैंने कॉपी में, 5% या उससे कम में 1 - अल्फा को 1 मानना है। तुम्हारे सामने आ रहा अल्फा 20%, ऐसे छोड़ दोगे? हाँ सर हम तो छोड़ देते हैं, हमें नंबर नहीं मिलेगा, हमें क्या है। तो यहां पर लिख लेना, यहां पर अल्फा, तो समझ में आया भैया? इसको जो जिन्होंने जिनका ये आया होगा इसको काट दियो, ये गलत है। और फिर लिखना, काट के लिखना, दिखना चाहिए कटा हुआ, ताकि दोबारा जब सेट पढ़ने जाओ तो आपको फिर वो अपनी गलती याद आए, अरे बापरे मैं कितना बड़ा बेवकूफ था करके, है ना। फिर थोड़ी देर बाद आप रिलाइज करोगे अभी भी मैं बेवकूफी हूं, खैर वो बात अलग है। चलो तो यहां से आ जाओ भैया, तो यहां से क्या हो जाएगा? लिख लेना अल्फा इज ग्रेटर देन 5%, देयरफोर 1 - अल्फा इज नॉट नियरली इक्वल टू 1, और आपको यहां 1 - अल्फा लेना पड़ेगा, ठीक है। तो के बी बराबर क्या हो जाएगा? सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 - अल्फा, सी हो गया 5 × 10⁻², अल्फा हो गया 0.2 का होल स्क्वायर,
डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.2। ठीक है, इसको सॉल्व करके लाएंगे। समझ आ गई कहां गलती थी, किसकी क्या गलती थी। ठीक, इसको सॉल्व करके लाएंगे। ये आपका होमवर्क है, वो 35 हो गया, मेरी क्लास है थोड़ी देर से, तो मैं जा रहा हूं, और इसको नोट कर लेंगे और चले जाएंगे। नमस्कार, आज के लिए छुट्टी। कल सुबह क्लास नहीं रहेगी, कल फ्राइडे है, सैटरडे को भी क्लास नहीं रहेगी, 3 तारीख को संडे है, संडे के रोज सुबह 7 बजे वापस, क्योंकि चैप्टर अपन ने आधा शुरू कर दिया है, तो इसको निपटाना भी अपनी जिम्मेदारी। तो संडे को सुबह 7 से 8:30 सेम टाइम पे क्लास रहेगी। ठीक है जी, अभी संडे को सुबह रखते हैं, और फिर उसके बाद देखेंगे, कुछ तो भी इसका जुगाड़ बनाएंगे, और नहीं हुआ, अगर ज़्यादा गैप होने लगा तो नॉर्मल क्लास में शुरू कर देंगे। जहाँ तक हुआ वहाँ तक ठीक है, बाकी जैसे नॉर्मल क्लास में आइसोमेरिज्म खत्म होगा वहाँ शुरू कर देंगे, वहाँ खत्म कर लेंगे, कोई नुकसान अपने ही है ना, अपने समय भर तो चाहिए। ठीक, चलो तो आज के लिए छुट्टी, अगली क्लास मिलते हैं, सभी को नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं, नमस्कार।